मुंबई से जम्मू जाने वाली ट्रेन में एक युवती सवार करती है। बिहार की रहने वाली 20 वर्षीय आरती कुमारी मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रविवार को स्वराज एक्सप्रेस में सवार हुई। ट्रेन जम्मू तवी की तरफ जा रही थी और महिला बोगी नंबर 4 में सवार थी। कुछ देर बाद ही महिला टॉयलेट चली गई, जबकि काफी देर तक वो अपनी सीट पर नहीं लौटी तो लोगों को शक हुआ। उन्होंने टॉयलेट का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन काफी लंबे समय बीतने के बाद भी महिला ने दरवाजा नहीं खोला। लंबे समय तक दरवाजा न खोलने के बाद लोगों ने टीसी को बुलाकर सारी बात बताई। टीसी ने भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। लंबी जद्दोजहद के बाद भी गेट न खुलने पर दोपहर करीब 1:10 पर ट्रेन को पालघर के दहानू रोड रेलवे स्टेशन पर रुकवाया गया। पुलिस की मदद से दरवाजा खोला गया तो महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला। उसके गले में कपड़े का फंदा बंधा हुआ था। पुलिस ने आधार कार्ड के जरिए महिला की पहचान की है। मामले की जांच की जा रही है कि आखिर महिला ने ट्रेन के शौचालय में फांसी क्यों लगाया या फिर महिला की हत्या की गई। क्योंकि खबरों की माने तो महिला के साथ ट्रेन में एक युवक और एक बच्चा भी सवार हुआ था। फिलहाल दोनों फरार बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।